छात्रा की खुदकुशी मामले की जांच के लिए नोएडा पुलिस अल्कोन पब्लिक स्कूल भी पहुंची है। नोएडा सेक्टर 52 के एसएचओ से बातचीत की हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। अभी तक हमारे तरफ से पंचायतनामा और कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए हमारे पुलिस प्रयास कर रही है। पैनल के लिए उन्होंने पैनल के लिए डिमांड की है। पैनल के लिए सीएमओ साहब से संपर्क करके पैनल के गठन के लिए आदेश करवा लिया गया है। कर्मचारी को भी निलंबित किया गया, मुंशी को उसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के कारण निलंबित किया गया है। 24 घंटा आरोप लगा रहे हैं परिवार, 24 घंटे के बाद पुलिस घर पे आई। कल हम लोग जैसे ही घटना सूचना मिली थी तुरंत आए थे हम लोग। उसके बाद इनके लगातार संपर्क में है, लगातार इनके साथ हम लोग लग करके सारी कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया? दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और मयूर विहार भी हम लोग गए। हमारी एक टीम मयूर विहार कॉलेज पे भी गई है। टीचर की गिरफ्तारी? जी हाँ, टीचर की गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं बता सकता मैं आपके सामने हूँ। गिरफ्तारी के संबंध में आईओ को जो भी साक्ष्य मिलेंगे, जिस तरीके से मिलेंगे, वो अपना कर रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी है। परिवार वालों का ये कहना है कि 24 घंटे के बाद नोएडा पुलिस उनके घर पे आई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज करने में जो कोताही बरती गई, उसमें मुंशी को सस्पेंड किया गया है। कैमरा पर्सन नर्देश्वर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ ऑल इंडिया, नोएडा।